पाचमौली पुलिस थाना अंतर्गत चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक रवि नागोसे ने अधिक जानकारी साझा की। पाचमौली पुलिस द्वारा 12 घंटे के भीतर ही शराब की दुकान में 7,000 रुपए नकदी समेत 14,000 रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा करके आरोपी को धर दबोचा। आरोपी का नाम नई बस्ती मंगलवारी बाजार निवासी लक्की उर्फ गुज्जर पवितकोर बताया गया है। जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा नगर निवासी अक्षय प्रकाश मोरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बिना के वैशाली नगर स्थित केबी दंडी देशी शराब की दुकान में किसी ने 7,000 रुपए की नकदी और 3 पेटी शराब समेत 14,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। यह दुकान उनकी मामा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिनांक 15/7/2021 रोजी एक कंट्री लिकर शॉप याच्यामध्ये चोरी झालेली होती। फिर्यादी अक्षय प्रकाश मोरे यांच्या लिकर शॉपच्या दुकानामध्ये चोरी होऊन दारूच्या पेट्या आणि रोख रक्कम 7,000 रुपये असा 14,600 रुपयाच्या मुद्देमा चोरीला गेला होता। त्या संदर्भामध्ये आमच्या तपास पथकाने उद्या 12 तासाच्या आतमध्ये गुप्त बातमीदाराच्या मदतीने गुन्ह्याचा छडा लावून एकूण दारूच्या बाटल्या 3,600 रुपये दारूच्या बाटल्या आणि सदर पोलीस स्टेशनमध्ये अपराध क्रमांक 228/2021 319 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये चोरीची ॲक्टिवा गाडी ही चोरी गेलेली होती। ती ॲक्टिवा गाडी किमती 50,000 रुपये असा 153,600 रुपयाच्या मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे आणि सदर गुन्ह्यामध्ये एक आरोपी आहे। स्पॉट पर पहुंच पुलिस ने देखा कि अज्ञात आरोपी ने दुकान की शटर पर लगा एक तरफ का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शक के बिना पर लकी को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पुलिस यह हथकंडा अपनाते ही उसने सब सच बता दिया और चोरी की कबूली दी। लकी की निशानदेही पर पुलिस ने 3,600 रुपए की 72 बोतल देसी शराब और वाहन समेत 53,600 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई डीसीपी लोहित मतानी, एसीपी सचिन थोरबोले के मार्गदर्शन में सीनियर पीआई संजय मेडी, रवि नागोसे, प्रमोद खंडार, संतोष सिंह ठाकुर, अमित सातपुते, नितिन वर्मा, राकेश सिंह आदि द्वारा पूरी की गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज नागपुर।